वेलकम स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर में देखे थे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, आज देखेंगे नेचर ऑफ बाउंड्री लेयर। नेचर ऑफ बाउंड्री लेयर को समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लें कि इसको किसके द्वारा हमें फाइंड आउट हुआ। तो जो नेचर है और नेचर ऑफ बाउंड्री लेयर ना, नेचर ऑफ बाउंड्री लेयर, इसको ये हमको पता चला एक्सपेरिमेंट बाय पेंडल, है ना। पेंडल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सॉलिड सरफेस के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो होती है तो उसकी उस पर जो बाउंड्री लेयर बनती है तो उसकी नेचर क्या होती है, ये सारी चीजें हमको पेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो हम देखते हैं नेचर ऑफ बाउंड्री लेयर। इसके लिए हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होती है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या होती है, ये सारे हमने देखे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पास हम देखेंगे, यहाँ पास हमारे पास एक प्लेट है, सॉलिड प्लेट, जिसके ऊपर बाउंड्री लेयर बनी हुई है। ये हमारी लीडिंग एज है, ये हमारी लीडिंग एज है जहाँ से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती है। तो जैसे जैसे हम इस प्लेट में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फ्लूइड की फ्लो की नेचर चेंज होती जाएगी। सबसे पहले जो फ्लूइड होगी वो क्या होगी, लेमिनार फ्लो होती रहेगी। देन जब लेमिनार फ्लो होती रहेगी तो उस जो फ्लूइड रहेगी वो टर्बुलेंट में चेंज होगी। तो टर्बुलेंट में जब चेंज होगी, तो जब लेमिनार टू टर्बुलेंट जब चेंज होगी तो उस ड्यूरेशन में एक स्मॉल रीजन बनेगी जिसके कारण जब टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होगी, जब लेमिनार फ्लो हो रही है तब जो बाउंड्री लेयर है वो इस तरह फॉर्म हो रही है। देन जब लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट में जब चेंज होगी तो एक छोटी सी रीजन बनेगी जहां पास क्या होगी, टर्बुलेंट में चेंज होगी। तो ये जब टर्बुलेंट में चेंज होती है तो इसकी जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा रीजन है जिसके कारण वो ऐसा ड्यूरेशन होगा जहाँ पास लेमिनार टू टर्बुलेंट में चेंज होगी। तो उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। तो ये जो ट्रांजिशन फ्लो है और लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हमको डिफाइन करने के लिए रेनॉल्ड नंबर से हम डिफाइन करते हैं। रेनॉल्ड नंबर क्या होती है, इसको हम पिछले क्लास में देख लिए थे, तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर आपका क्या है, रो फ्री स्ट्रीम यू और एल। एल आपका क्या है, ये जो लेंथ ऑफ प्लेट है या करेक्टरिस्टिक लेंथ के इक्वल होती है आपकी लेंथ ऑफ प्लेट, और अपॉन म्यू, म्यू क्या है आपके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पास जो ये जो ट्रांजिशन जोन है वो कब कब मिलेगी हमको, जब आपके रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल होगी। क्रिटिकल मींस आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 5×10^5 होगी, तब हम इसको मानते हैं क्रिटिकल कंडीशन, है ना। तो ये जो है ट्रांजिशन जोन में मिलेगी हमको इतना। देन आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो जब इंक्रीज होगा तब हमको मिलेगी टर्बुलेंट फ्लो, जब इंक्रीज होगा तब मिलेगा, है ना। तो ये थी नेचर बाउंड्री लेयर के अलग अलग नेचर, लेमिनार में लेमिनार के बाद टर्बुलेंट में कैसे फ्लो हो रही है, तो उसमें जो अलग अलग ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको हम समझे आज। ओके, थैंक यू।